नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम निकले हुए हैं जनता के मूड कार्यक्रम में और हम आज जनता के मूड कार्यक्रम में जानना चाहते हैं कि सिवान के मजदूरों का क्या है मूड। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के जो मजदूर अपना घर बार छोड़ करके बाहर जाते थे रोजगार की तलाश में, कुछ ऐसे ही मजदूर हैं जो सुबह रोजगार की तलाश में अपने घर से सिवान आते हैं और क्या उन्हें रोजगार मिल पाता है या नहीं, क्या सरकार उनके बारे में कुछ सोचती है या नहीं, और क्या ये नीतीश की सरकार चाहते हैं या फिर से ये मजदूर जो हैं बदलाव चाहते हैं, तो इसको लेकर के हम पहुंचे हुए हैं एक बार और इनसे चाहेंगे कि एक बार तालियों से स्वागत करें कि आप लोग की क्या राय है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये मजदूरों का क्या मूड है, इस पर हम जानेंगे कि मजदूर क्या चाहते हैं, सरकार नीतीश जी के चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं हम लोग। किस लिए बदलाव चाहते हैं? क्यों नीतीश जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया है? कहाँ कुछ किए हैं? घर पास नहीं हो रहा है, घर पास नहीं कर रहा है, अच्छा। नहीं पास कर रहे हैं, खाली झूठ मुड़ के बोल रहा है कि आप लोग वोट दीजिए, एक करिए, कुछ भी नहीं कर रहा है वो लोग, सब खा जा रहे हैं वो लोग, सब खा जा रहा है, हम लोग पेट खाली है, हाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं राशन। तो अब क्या, अब क्या, अब क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कुछ करेंगे तब ना, कोई तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार किसकी बनाएंगे आप? अब तो वोट देना होगा ना। हाँ, नहीं लालू जी बनाएंगे, लालू लालू किसका बनाएंगे? एक बनाओ, एक बार नीतीश, आप बताइए किसका सरकार बनाएंगे? लालू 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 क्यों? हाँ लालू को सरकार बना, तो जेल में है उनका लड़का तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? नीतीश क्यों नहीं? नीतीश क्यों नहीं? कोई फायदा नहीं है नीतीश से, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, नहीं आप लोगों को रोजगार नहीं दिया है, नहीं एक दिन काम मिल रहा है, एक दिन नहीं मिल रहा है, एक दिन मिल रहा है, एक दिन नहीं मिल रहा, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने पर नहीं है आदमी, कोई भी राशन भी नहीं दे रहा, चोरी करके बेच रहे हैं वो लोग। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये है जनता के मूड के कार्यक्रम में हम मजदूरों के पास पहुंचे हुए हैं और मजदूरों का कहना है कि एक दिन खाना मिल रहा है, दूसरे दिन नहीं, रोजगार की तलाश में आ रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। कुछ बहुत सारे मजदूर यहां पे मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आपकी क्या राय है, ये बताइए। राय हम लोग का है कि हम लोग का कोई मजदूर नहीं मिलता है, नहीं मजदूरी मिलता है, हम लोग लालू को चाहते हैं, लालू का सरकार में हम लोग का सब मिलता था, अभी नीतीश का सरकार में हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, बेमजदूर हम लोग हैं। सुबह आप लोग कितने बजे आते हैं? सुबह हम लोग 6 बजे आते हैं, 6 बजे से 10-11 बजे तक रहते हैं, मजदूरी नहीं मिलता है, मिलता भी है तो 200-250 रुपया का कोई मजदूरी देता है। लेकिन सरकार ने तो कहा था कि रोजगार दिलाएंगे, रोजगार क्या नहीं मिल रहा है, रोजगार यहाँ पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है रोजगार यहाँ पे, एक दिन भी नहीं मिल रहा है, 4 दिन 5 दिन बैठता है, एक दिन कमाते हैं। ये बात गलत है, दिखाने के लिए बात कि इतना मिल रहा है उतना मिल रहा है, कुछ नहीं, जितना लालू के सरकार में जो हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ, भले चोरी किया चाहे लोग कहते हैं चाहे कुछ हुआ, लेकिन मोदी बताइए, बताइए नीतीश की सरकार में 40 रुपए किलो आलू कभी खाए हैं हम लोग? नहीं खाए हैं, लालू के राज में हम लोग कहाँ से खाए हैं आलू? 40 रुपए रहेगा तब हम लोग खाएंगे। लेकिन 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 वो तो कहते हैं कि जो लालू की सरकार थी वो जंगल राज था, जंगल राज नहीं था, जंगल राज नहीं था, वो कहने के लिए जंगल राज है। आप बताइए, गरीब खाती अच्छा था, क्या था गरीबों के लिए? क्या गरीब अपना मजदूरी कर रहा था, मजदूरी करके शाम को बराबर हम लोगों को मिलता था, मजदूरी मिलता था, मजदूरी बराबर मिलता था सर, एक दिन खाली नहीं जाते थे हम लोग, एक दिन खाली, लालू के राज में जंगल ही राज था तो एक दिन हम लोग नहीं जाते थे, इनके राज में तो भूखे मर रहा है, कुछ ऐसे ही मर गया है। सरकार बदलेंगे? हाँ सरकार एकदम बदलेगा। किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री? नीतीश को, अरे लालू को बनाएंगे, लालू तो जेल में है, लालू उनका बेटा है ना, वो जेल में है तो क्या, वो उनका बेटा है ना। आप बताइए क्या करना चाह रहे थे, किस किस सरकार बनाना चाहते हैं? वोट तो देना होगा ना मोदी को, मोदी को, मोदी को, मोदी तो प्रधानमंत्री है ना, मोदी को, मोदी तो आपके प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी को या फिर तेजस्वी को, किसे मोदी को, किसको? मोदी को, मोदी को ही चाहते हैं, मतलब कि क्यों, क्या आप लोग, उन्होंने क्या कुछ किया है मोदी नीतीश जी के साथ है? मोदी क्या है, बोलो, उससे क्या आपको रोजगार दिए हैं? कुछ नहीं दिया है। तो फिर किस लिए, आप बताइए क्या चाहते हैं? लालू को किस किस सरकार बनाना चाहते हैं? लालू को क्यों, किस लिए क्यों, राजद की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? लालू क्योंकि वो अच्छा है, लालू, लालू सिवान में बहुत कुछ किया है, अभी उन्हीं का देन है कि रोड वोड बन गया है। अच्छा, अभी क्या रोजगार आप लोगों को मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है।
तो आप देखिए तमाम ये मजदूर हैं, आप देख सकते हैं जो कि इनका जो मूड है हम जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे, क्योंकि यही मजदूर जो है अपना एक एक वोट दे करके और सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन आलम यह है कि इस सरकार में इनका कहना है कि मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया, रोजगार की तलाश में ये बेचारे आते हैं लेकिन इन्हें रोजगार नहीं मिलता है और बेरंग खाली हाथ इन्हें घर वापस लौटना पड़ता है। तो आखिरकार इनका पेट कैसे भरेगा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए कि आप लोग मजदूरी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, क्या रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? सर हम लोग रोजगार चाहते हैं, नहीं रोजगार तो मिलता ही नहीं है, कभी भी नहीं मिल रहा है। हम जब भी आते हैं निराशे ही लौट जाते हैं, या लालू के सरकार में निराशे भी लौट के इधर भी निराशे ही लौट जाते हैं। सर दोनों की सरकार कुछ नहीं करने का सरकार से, हम ये नहीं कहते हैं कि लालू सही है और ना नीतीश सही है, हम किसी के सरकार में हम लोग आसरा लेके आते हैं बाकी निराशे लौट जाते हैं सर। हाँ तो अब आखिर सरकार फिर चुनाव आने जा रहा है तो आखिर वोट किस पार्टी को देंगे, किसे बनाने? पहले बोला जाता है कि हम देंगे, वो बोलते हैं कि हम देंगे, बाकी देते कोई नहीं, देता तो हमको कोई नहीं सर। आखिर वोट तो देना होगा ना, किसी की तो सरकार बनानी होगी ना। वो तो मन के ऊपर है कहाँ देंगे, वही तो चाहते हैं कि आप नीतीश जी को चाहते हैं या फिर तेजस्वी को चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं, फिर बदलाव चाहते हैं, किसी भी हाल में बदलाव चाहिए। किसी और जो रोजगार है वो आपको नहीं मिल सका? नहीं मिल सका। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात, आप बताइए क्या चाहते हैं आप लोग रोजगार की तलाश में, परिवार को चलाने के लिए आप लोग यहाँ पे सुबह चले आते हैं, क्या रोजगार आप लोग मिलता है? सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया? नहीं, वादा तो पूरा नहीं किया। अच्छा। सरकार में बदलाव सबसे जरूरी है। हाँ, किस लिए बदलाव जरूरी है? जो कि इतना मजदूर हम लोग बैठे हुए खड़े हैं, एक आदमी को आज काम नहीं मिल रहा है, अभी तक सब आदमी काम पे जाता है, एक एक महीने दिन से लौट रहा है मजदूर सब, क्या कर सकते हैं। सब पेट चलाने के लिए 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर से दूर से आते हैं यहाँ, कोई कुछ करना नहीं। किस किस सरकार आप बनाना चाहते हैं? अब बदलाव नीतीश को ही सरकार, लालू नहीं, नीतीश भी कोई बुरा नहीं, लालू भी बुरे नहीं है। तो आप तो बोल रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं, तो फिर नीतीश की तो सरकार है ही, तो बदलाव किस चीज का चाहते हैं? अब इसमें हम यही बदलाव चाहते हैं, कोई अच्छा आदमी आए, अच्छा चलाने वाला, उसके ऊपर निर्भर होगा कौन आदमी आ रहा है, उसके हिसाब से आदमी वोट दिया जाएगा। चलिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक एक करके बातचीत करेंगे। देखिए ये बेचारे अपने हाथों में झोला लेकर के और सुबह सुबह रोजगार की तलाश में ये निकल पड़े हैं, क्योंकि इनका जो घर बार है वो घर के लोग सोचते होंगे कि ये बेचारे जाएंगे और वहाँ से कुछ पैसा कमा करके आएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा और दो वक्त की रोजी रोटी जो होगी वो घर में बनेगी, फिर बच्चे खाएंगे। आप बताइए क्या वाकई में रोज आपको रोजगार मिल जा रहा है, रोज काम मिल रहा है? ये साल भर से तो नहीं मिल रहा। अच्छा। पहले तो कभी कभी मिल जाता था, बाकी जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो बहुत परेशानियाँ है। और बालू का जो लालू का राज्य था उसमें बालू का बंदी नहीं हुआ था, रोजगार मिल जाता था। अभी इस समय जब नीतीश बाबू का राज आया उस समय से बालू पर रोक लगा दिए, टैक्स लगा दिए, इसलिए घर बनाने में लोग असमर्थ हो गए। घर नहीं बना पड़े, मजदूर कहाँ से लगाएंगे, उनके पास तो पैसा है नहीं उतना, जो बालू खरीदेंगे मजदूर लगाएंगे। इसलिए नीतीश बाबू तो काम तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बातें से कर देते हैं काम। तो आखिर आप लोग का घर में आखिर चूल्हा कैसे जलता होगा? अब क्या करें, मजबूरी से किसी तरह अपना गुजारा तो करना ही पड़ेगा, अगर मिले तो खा लेना, तो सुबह सो जाए भूखे रह जाए, सुबह उठा के चले जोरा घंटा मिल जाए तो ठीक है ना, नहीं मिले पेट भी आप लोग सो जाते हैं, क्या करेंगे अब। और सरकार ने आपको रोजगार के बारे में कुछ नहीं सोचा? 5 किलो चावल देती है, उसमें 5 किलो चावल में वो क्या करती है, उसमें भी दलाली कटौती कर देती है, एक महीने नहीं मिलेगा दूसरे महीने भागो ये महीना नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा आ जाती है। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश जी ने शराबबंदी लागू किया, क्या शराब नहीं मिल रहा अपने यहाँ? बिल्कुल मिल रहा है, मिल रहा है, बहुत खुला है, उससे अधिक मिल रहा है, बंद हुआ है उससे ज्यादा मिल रहा है शराब। हाँ, कैसे मिल रहा है, वो तो कहते हैं कि शराबबंदी है, आ रहा है सब उत्तर प्रदेश से, दो नंबर के काम सब हो रहा है। आइए आइए, कैसे कैसे मिल रहा है बताइए, आइए आइए आइए, देखिए कुछ लोग हैं और भी बात, आप बताइए शराब मिल रहा है? शराब फोन कीजिए आपके पास दारू मिल जाएगा, चिखना के साथ मिल जाता है, ऑनलाइन है, फोन कीजिए आपके पास चिखना मिल जाएगा, दारू मिल जाएगा एकदम आराम, ऑनलाइन। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सब मिला जुला है महाराज, कौन नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं मिला है, ऊपर ऊपर से नीचे तक मिले हुए हैं लोग, आज कानूनी लोग का तो कमाई है, आज प्रशासन लोग के उन्हीं लोग के पैसे कमाने, डीलर के पास जाते हैं तो बोलता है कि फ्री राशन है, तो लौड़ा फ्री है, पैसा मिलता है देते हैं तो राशन मिलता है। इस बार क्या हो गया, क्या सरकार फिर से नीतीश जी की लाएंगे, बदलाव चाहते हैं? लालू जी आएंगे, आलू महंगा है तो लालू जी आना पड़ेगा, गरीब के लिए आना पड़ेगा जी,
उससे क्या होगा लाने से? लाने से हम लोग को फायदा है। क्या फायदा होगा? अरे पहले फिर हमें मजदूरी बराबर मिलेगी। हम लोग जो गरीब हम देखे हैं सब मजदूर लोग हैं। एक टाइम यहाँ से कमाएंगे लोग तो खाएंगे, ना तो नहीं मिलेगा। शाम को बाल बच्चे भूखे रहेंगे। मतलब इस बार चाहते हैं कि बदलाव हो जाना चाहिए। जी जी, देखिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखना चाहते हैं। कुछ देखिए ये भी मजदूर जो क्लास के लोग हैं, ये भी आप बताइए क्या चाहते हैं। आप बताइए, एक मिनट सॉरी, आप बताइए क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताइए। अब हम ये चाहते हैं कि जब से लालू जब से हटा है, लालू का सरकार जब से हटा है, तब से मजदूरों का गरीबों का सभी परेशानी में चले आते हैं। और जब से नीतीश बैठे, मोदी बैठे, तब से ये सारा मजदूर लोग, जितना गरीब लोग, सब रोजगार भी न मारे जा रहे हैं। रोजगार आपको नहीं मिल रहा? कोई रोजगार नहीं मिला, न मिल रहा। वो तो कहते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार बनाएंगे, रोजगार देंगे, और अब जो है कि हमारे जो मजदूर भाई वो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे सब कुछ लगेगा, कारखाना लगेगा। आखिर 15 साल में उन्होंने क्या किया? लालू की सरकार तो नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया? ये लोग कुछ नहीं किए गरीबों के लिए और के मजदूरों के लिए, बस ऐसे ही कहते हैं कि हाँ आप लोग को सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। तो फिर अब इस बार आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ये कर चाहते हैं लालू को सरकार बने, लालू आए, चाहते हैं कि इस बार आ जाए। आप बताइए आपकी क्या राय है? हम क्या बोलेंगे, बोलिए जो आप बोलिए, जो बोलना है बताइए, क्या राय है, किसको किसकी सरकार चाहते हैं? वोट तो देते हैं, लालू की सरकार चाहिए, लालू की सरकार, क्योंकि वो पहले के राज में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, और इस सरकार ने नहीं कुछ किया। ये सरकार सही नहीं, काम नहीं किया सरकार, ये सरकार कहाँ किया बताइए, आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं बताइए। हम लोग का तो मजदूरी मिलता नहीं, हम लोग कम से कम 20-20 किलोमीटर से दौड़ के साइकिल लेके सुबह 6 बजे निकलते हैं, यहाँ से मायूस होकर घर निकल लौट जाते हैं। अब जिस मजदूर आदमी के 5 बच्चे हो, उनको खाना मुश्किल, रहना मुश्किल हो गया है। इस सरकार के उम्मीद हम लोग क्या करें, 15 साल से तो देखते ही आ गए हैं। इस बार हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेजस्वी सरकार चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए तेजस्वी सरकार। बताओ बाबू, आप बताओ, अभी काम करने के लिए आए हुए हैं? हाँ बताओ। हम काम करने के नहीं आए हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं? जी। क्या चाहते हैं आप, युवा हैं, नए हैं, क्या चाहते हैं? क्या इस बार सरकार जो है बदलनी चाहिए? नीतीश जी की सरकार से खुश हैं आप? नहीं, खुश नहीं है, बदलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 15 साल में कुछ किए नहीं है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर बदल जाए तो फिर तेजस्वी की सरकार आए तो अच्छा नीति वो करते हैं। क्यों तेजस्वी की सरकार क्यों चाहते हैं, क्यों आप खुश नहीं है नीतीश की सरकार से? क्योंकि इन्होंने रोड में पानी लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, हॉस्पिटल में जाने पर इतना गजन हो रहा है ना, क्या कहें, बहुत तकलीफ। और स्थानीय जो नेता है वो लोग नहीं सुन रहे हैं? नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो? हाँ, इस बार बदलाव हो, तेजस्वी की सरकार बने। जी, इस बार तेजस्वी की सरकार। तो यही आलम है, कई लोगों से बातचीत हुई, कई मजदूर भाइयों से बातचीत हुई, जाहिर तौर पे इनका कहना है, बहुत ज्यादा जो इन लोगों का जो आया हुआ है उसको लेकर के इनका कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। लेकिन देखना यह होगा कि बिहार के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इन मजदूरों का जो आज हम जो मूड लिए हैं उस मूड में यही निकल करके आया है कि ज़्यादातर लोग बदलाव चाहते हैं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या बिहार में बदलाव होता है या फिर से एक बार नीतीश की सरकार आती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार।